गाइस वो तो देख सकते हो वो क्या है पता नहीं। देख सकते हो ये यहाँ का नजारा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मेरा नाम है पवन राज तिर्की और आप लोग देख रहे हैं पवन राज तिर्की यूट्यूब चैनल। और ये बेसिकली ये एक ब्लॉग चैनल है। सो अभी फ़िलहाल के लिए मोटो ब्लॉगिंग भी हो रहा है तो मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और ये अपना मोबाइल नहीं है, खुद का मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, तो ये मेरी बहन का मोबाइल है। सो देख सकते हो कैसा क्वालिटी आ रहा होगा, आई डोंट नो। तो चलो गाइस, और कल रात को हल्की सी बारिश हुई थी एंड मुझे तो पता नहीं था, इतना गहरी नींद में था जो बहुत गहरी नींद। तो गाइस आज का स्टोरी कुछ ऐसा है कि न्यूज़ मिला कि हमारे इस मतलब पास के गांव में ही मतलब रात के समय हाथी आया था एंड एक घर को धसवाया है, जो कि मैं देखने जा रहा हूँ एंड कवर करूँगा उसको भी। एंड मैं एक्चुअली मैं अलग काम से जा रहा हूँ चावल लाने। सो अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है अभी भी और घर में लाइट भी नहीं है। देखते हैं कितना क्या हुआ है। केयरफुली के साथ जाना होगा गाइस मुझे भी, क्योंकि जंगल एरिया देख सकते हो कब किस तरफ से क्या आ जाए पता नहीं। और हाथी की बात है तो यार समझ सकते हो, भागने के लिए बाइक सबको छोड़ना पड़ेगा। तो मैं जहाँ जा रहा हूँ वो गांव का नाम है बेलपेन, बेलपेन ही बोलते हैं शायद, उतना नहीं पता। रास्ता भी अच्छा नहीं है, नहीं तो कुछ भी आता तो इतना कुछ दिक्कत नहीं होता। रास्ता सड़क भी ऐसा है कि कुछ भी आ जाए तो फंस गया जाओगे। ठंडी पड़ गई है गाइस गाड़ी, इसलिए रुक जा रही है। कल रात को बारिश हुई ना, इसलिए देखते हैं क्या हुआ है। एक्चुअली कल रात को आए थे शायद, कल रात को ही मतलब ये घटना घटा है, देखते हैं। और ये मतलब अंदर एक बहुत बड़ा फार्म है, कभी लेके जाऊंगा आप लोगों को। शायद घर पहुंच गए हैं, देखते हैं कौन सा साइड। हाथी से दिलाई दी के नहर घर के क्या छ पूरा घर के दस जगह। हाँ हाँ तो गाइस यहाँ का ये घर है जहाँ धसाया है हाथी, देखते हैं कैसे धसे नहीं धस रही। नमस्कार, कितने बेला से चला जी? हाँ हाँ ओ एटा केन साइड, केन साइड नो आसला है साइड नो की है? केन साइड नो आसला है दिन हाँ। तो गाइस जैसे कि बोल रहे हैं इधर से आया एंड देख सकते हो ये यहाँ का नजारा, तो इतना धसा दिया है बोले ये आस पास अच्छा ना हो। हाँ बस थोड़ा सा ही, बट देख सकते हो कैसा किया है। कहाँ केंटा इटा हेलो फले केंदी
तो मतलब ये एक साइड और दूसरा साइड भी मतलब टूटा दिया है क्या। पूछ दी ये रास्ता क्या, और एक प्लेस है दिखा रहा हूँ, यहाँ का गांव सब इलाका ऐसा कुछ दिखता है सीन। बाप रे बेसी बोर ना कर दीछे। नमस्कार। तो गाइस यही है घर, और पिछले क्या पीछे, हाँ पीछे तरफ का नज़ारा दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये एक मतलब आप लोगों को पता चले कि यार गांव घर में कैसा होता है क्या, मतलब देख सकते हो सकते हो। ये घर है, छोटा सा घर है, मतलब हाथी ये आसपास ही है, मतलब कभी भी आ सकते हैं कभी भी। अभी हर बहुत पैसे, हाँ 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 और धान थी ना, हाँ पूरा इधर रहु छो कि केनता एखन रहु छो कि इदी माने इने माने ओहो इने रहु छो कि नहीं रहबार माने एखन रहु थिलो कि भात 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 कोन न राम को हां हां न रहु छो आ सिबाट के ने आ से सोने के उधर जाते हैं गाइस एंड यहां नाश्ता मतलब किचन का काम यही होता है। देख सकते हो ऐसा मतलब बहुत ही बुरा हाल है। चलो जाते हैं। इधर भी खबर पड़ला कि क्या खबर तो इधर अग्रु थी लाके यार जो चाहे चावल बाहर ब्रिजा भी देखी दिली वेल क्या। हाँ हाँ से मोर काका बता ले गाइस इधर से आया होगा, ये रोड है बस, और यहाँ देख सकते हो जमीन जुम आउट नहीं हो रहा है अभी, मेरा मोबाइल तो नहीं है गाइस। और उधर उस सामने उधर का भी तो दिखा दिया हूँ, तो चल ऐसा हालत में कौन चेयर खरीदेगा अभी। तो गाइस मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, तो गाइस मतलब कभी भी मतलब बिना जाने रहोगे तो फंसोगे, मतलब आप लोगों को तो पता है गांव घर में एक ही बकरा मतलब एक ही को क्या बोलूँ एक ही रूम रहता है सामने, जैसे कि देख चुके हो। ऐसा होता है कभी कभार मतलब सोए रहोगे कभी आ जाएगा एंड धसाएगा तो फंस जाओगे ना गाइस, डेफिनेटली मौत बहुत बहुत बुरा होता है। एंड अभी तो आप लोगों को पता है गाइस शायद STSC हाँ मुश्किल है, फिर इसको फिर अभी घर बनाना फिर कितना करना, इनका स्टोरी बोलेंगे तो यार बहुत कुछ है। हम लोगों का भी एक बार हुआ था ऐसा इंसिडेंट, बट हम लोगों का भी ऐसा ही, बस मैं जितना भी ऑब्जर्व किया जितना भी रियल में देखा, रियल मीन्स हाथी धसवाने का टाइम में तो नहीं देखा हूँ, बट जब हम लोगों का घर भी वैसे ही वो खिड़की के ऊपर साइड ही धसवाता है, और ऐसे लात वात तो नहीं मारा है शायद, सुन पता नहीं कैसे क्या करा होगा जो। तो गाइस मैं अभी आया था चावल लेने जो कि कल पिसाने दिए थे यहाँ पे, इसका स्टोरी तमाम। हाँ जैसे जुड़े बंद कर लगे बात बोल नहीं Thank you.
तो गाइस हाथी एक्चुअली उस तरफ से ऐसे होके ऐसे गया है, सो आप लोगों को तो दिखा चुका हूँ इधर से। हाँ उनका आइडिया नहीं हुआ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, गाना सुन के जा रहा है सोच रहे हैं। ओके गाइस ऐसा होता है, और इधर से देख भी लिया तो ऐसे ही रास्ते में होके गए हैं बोल के बोले, तो आप लोगों को पूरा दिखा चुका हूँ गाइस ऐसा क्या हुआ है। ज़्यादातर तो पब्लिक से बात नहीं करा, मतलब जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, बट चलो एडिट करेंगे और आज ही अपलोड कर देंगे ये वीडियो को, इस वीडियो को। अच्छा हुआ कि उस वक्त मतलब लोग नहीं थे अंदर, रूम के अंदर की थे कि आई डोंट नो, उतना तो नहीं पूछा हूँ, फिर भी किसी को कुछ नहीं हुआ वो बड़ी बात है। सब सेफली हैं, सब सेफ हैं, सबसे बड़ी बात। तो ये गाँव था मुनगुड़ा, गाँव का नाम है ये बगीचा। और उस घर को पहले से भी धसवाया था बोल रहे थे, तो चलो घर पर। अच्छा बिले है कि कौन है वो गाइस, वो तो देख सकते हो वो क्या है पता नहीं। मुसाएक है चाबा चुबी कुर्सी की नहीं। देख सकते होगा ये मैं पहली बार देख रहा हूँ इसको, बढ़िया अच्छे। बिल्ली भी नहीं है ये, चूहा है बोले तो। जंगल भी ले आए कहें, जंगल भी ले उठे कहें। गांव घर में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा गाइस, सच में मुझे इतना मौका मिला जैसे भी हो। मोबाइल मत गिरना यार, मेरी आप उनका मोबाइल नहीं है, मेरी बहन का मोबाइल है, डांटेगी नहीं तो। बाप रे इतना पत्थर। तो गाइस इस चैनल में अपने ब्लॉग के साथ छोटा मोटा मतलब गांव का भी कुछ न्यूज़ सब देते रहूँगा, क्या होता है सब कुछ। गांव पहुंचने वाला हूं तो अभी बहुत ही बुरा हाल हो जाता है गाइस, सच में बहुत ज़्यादा। ओहो बच गया, ना 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 ना